समानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। अगर सही मायने में उन चीजों पर काम किया होता और अपने बजट को खर्च किया होता, विभागों को बजट दिया गया होता, तो नीति आयोग को ऐसा नहीं कहना पड़ता। उनका पहला मानक नो पॉवर्टी, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे नंबर पर है। और ये जो आंकड़े मैं देने जा रहा हूं, ये मेरे नहीं है, जो आप लोग काम करते होंगे वही नीति आयोग को पहुंचता है। जीरो हंगर, भूखमरी समाप्त करने में 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पर है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में 28 राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी एजुकेशन, 28 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर है। जेंडर इक्वालिटी, 28 राज्यों की सूची उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पर है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 28 राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम 14वें नंबर पर स्थान रखते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश 21वें नंबर में है। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर है। टू रिड्यूस इनइक्वलिटी, असमानता में कमी, 28 राज्यों की सूची में प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यहां जरूरी है कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में 14वें नंबर पर हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में हम 9वें स्थान पर हैं, क्योंकि गंगा साफ, और एक बार सरकार के ही एक मंत्री उस समय के रहे होंगे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, कृत्रिम बारिश। क्लाइमेट एक्शन में हम 28 राज्यों की सूची में हम 5वें पायदान पर हैं। लाइफ बिलो वाटर, वित्त मंत्री जी हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, लाइफ बिलो वाटर, जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में जीवन है ही नहीं, सीमा ही नहीं लगती, इसलिए पैरामीटर की दिक्कत भी लिखना नहीं चाहिए वाला, है ही नहीं आपका, आप लिख रहे थे कुछ इसलिए मैंने पढ़ दिया। ये लाइफ ऑन लैंड 20वें नंबर, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हम 8वें नंबर पे हैं। जब नीति आयोग के ये आंकड़े बताते हों, 6 बजट आपने पेश किए हों, 7वां बजट आपका है, तो हम कहां खड़े हैं इसके बारे में सरकार को जरूर बताना चाहिए।